फर्क दिखा दिया समाज ने, फर्क। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। बेटा रोहित, अब तो ये लेप लगाओगी ना? रोहित बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लोगों की सोच बदलने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, मैं आपकी टीचर से बात करूंगी। रूही, बस मम्मी, और झूठ नहीं। बहुत झूठ बोल दिया आपने, बहुत झूठी कहानी सुना दी आपने। रूही बेटा, मेरी बात तो सुनो एक बार। बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? मम्मी को पेंटिंग से निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने फिर से झूठ बोला। मुझे अब मम्मी से बात ही नहीं करनी। बेटा, मम्मी ने आपसे झूठ क्यों कहा? रुचिता ने क्या कहा क्या नहीं कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता निहार, लेकिन रुचिता ने जो किया उससे इस बच्ची का दिल टूट गया। मायने ही रखता, तुमने आज फिर से रूही का दिल दुखा दिया ना। जानते हो उसने गुस्से में क्या किया? ये देखो, तुम्हें तस्वीर से निकाल दिया उसने, अपनी असली माँ से इतना चिढ़ने लग गई। अब क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बार बार झूठ बोलकर अपनी बच्चियों का दिल दुखा रही हो तुम? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्यों उन्हें खुद से दूर कर रही हो रुचिता? क्यों? मैं उन्हें दूर नहीं कर रही हूँ, उनको मुझसे दूर आपने किया। होली के बाद से मेरी बच्चियों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ना मेरे साथ सोई है, ना मुझसे ठीक से बात की। उसके बाद से मुझे वो झूठा समझने लगे, मेरी मेरी कई हर बात को गलत समझ रही है। नहीं आजी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों उन्हें मेरे पीठ पीछे सारा सच बता दिया? क्यों? रुचिता प्लीज, मेरी छोटी सी भूल को इतना बड़ा इल्जाम मत बनाओ। तो तुमने जो किया उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। मैं अपनी बेटी को मनाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, दिखाओ। रूही अभी बहुत नाराज है, तुम्हारी बातों से मानेगी नहीं, इसलिए प्लीज आज की रात सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। वैसे रुचिता, क्या हुआ था? मुझे मॉम ने सिर्फ इतना बताया कि रूही तुमसे नाराज है, लेकिन हुआ क्या था? मम्मी आपने फिर से झूठ कहा, मन की सुंदरता बेकार होती है, सब रंग दिखता है। निहार जी को पता ही नहीं है पूरी बात, तो इसलिए मुझे गलत समझ रहे। रुचिता आग! निहार जी, चंदन का लेप ठंडक में लिखी। रूही से बात करके आता हूं। मम्मी आपने फिर से झूठ कहा, मन की सुंदरता बेकार होती है, सब रंग दिखता है, इसलिए टीचर ने मुझे स्नो वाइट नहीं बनाया। रूही बेटा, आपको अपना रंग अभी शाप लगता है ना? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको यह एहसास दिलाकर रहूंगी कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। आप जिससे अपनी कमजोरी समझ रही हैं,
मैं उसे आपकी ताकत बनाकर रहूंगी। बेटा इस मास से तुम्हारा रंग थोड़ा सा साफ तो हो जाएगा, उसके बाद ना मैं तुम्हें ये वाली क्रीम लगाऊंगी जिससे आपका रंग ऐसे निखर जाएगा, ऐसे चमक जाएगा, बिल्कुल परी की जैसे दिखने लगोगी आप। और ये देखो, मैंने तो ना आंखों वाले डॉक्टर से बात भी कर ली है, अभी जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना तब आपके आंखों में लेजर सर्जरी करवा के चश्मा उतरवा दूंगी, बस देखना फिर कैसी लगोगी, परी जैसी सुंदर। आप ये क्या कर रहे हैं? रूही अभी बच्ची है, उसकी स्किन सेंसिटिव है, आप ये सब केमिकल लगाएंगे तो उसका स्किन खराब हो जाएगा माँ। और रूही आप, आपका टेस्ट है ना कल, जाओ जाके पढ़ाई करो, इन सब चीजों में समय बर्बाद मत करो। मम्मी आपने मेरी क्रीम क्यों फेंकी? मम्मी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं वही करूंगी जो दादी कहेगी। क्या? आप प्लीज उनको कुछ मत कहो। सुन लिया तुमने, चलो जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। करने तो जो मुझे करना है। मारुही, तुम्हें तो दुनिया समाज की बातें ताने सुनने की आदत है, लेकिन मैं अपनी पोती को इस दुनिया समाज के ताने नहीं सुनने दूंगी। मैं उसे सुंदर बना कराऊंगी। मारुही का टेस्ट है। अरे इन छोटे मोटे टेस्ट से क्या होता है रुचिता, जिंदगी का इम्तिहान इससे कहीं बड़ा है। मेरी रूही का रंग निखर जाए बस एक बार, फिर तो सारे टेस्ट यूं 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 करके पास कर जाएगी। और चलो बेटा हम अपने कमरे में चलो, वहीं करेंगे बाकी का ट्रीटमेंट। आई पड़ी खेलते हो, खेलना तो चेस खेलो, इसमें दिमाग और तेज होता है। मम्मी ने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत, ये व्हाइट वाली गोटी मेरी है। ये व्हाइट वाली गोटी मेरी है, मैं लूंगी। तुम ब्लैक वाली लो, तुम्हारा कलर भी इससे मैच होता है। देखो जामुन कहीं की, क्यों रुलाया? मैं तो बस वही कहा जो स्कूल में सब अच्छे बुलाते हैं। इसका पेट नहीं है, जामुन। तू मेरी बहन को जामुन कह रहा है? तूने मेरी बहन को जामुन बोला, तुझे तो अब बताती हूँ मोटू। तूने मुझे मोटा बोला, मैं मोटा नहीं हूँ, तेरी बहन जामुन है। छोड़ मुझे तो पहले, खुद को कोई चिढ़ा तो तुम्हें पसंद नहीं आता। किन मेरी बहन को चिढ़ाना पसंद है? क्या कर रहे हो तुम दोनों, छोड़ो, लड़ो मत। तू छोड़, छोड़ो, छोड़, अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, लड़ो मत, छोड़, अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। जूही, जूही छोड़ो पिंकू को। आंटी देखो ना, जूही मेरा बाल खींच रही है। जूही, मम्मी इसने रूही को पहले जामुन बोला था। बेटा लेकिन आपको ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तुम इधर आओ, ये कोई तरीका है अपनी बहनों से बात करने का? गंदी बात। स्कूल में जो सब बोलते थे मैंने वही तो बोला ना, क्या गलत कहा मैंने? चुप हो जाओ तुम। आज मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते। कोई बात नहीं बेटा, देखना मैं तुझे ऐसा लेप लगाऊंगी कि एकदम कुछ ही दिनों में तेरा चेहरा चमक जाएगा। फिर कोई नहीं मजाक उड़ाएगा मेरी बेटी का, कोई नहीं मजाक उड़ाएगा मेरे बच्चे का। बहुत हो गया, अब मुझे कुछ भी करके रूही के मन से हमेशा के लिए ये बात निकालनी होगी। इस
मोटू ने मेरी बहन के रंग को लेकर मजाक बनाया है ना, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये आवाज कैसी है? बाहर सीवेज का काम चल रहा है तो 2-3 दिन ऐसी ड्रिलिंग की आवाज आएगी। मेरा कान तो अभी से फटा जा रहा है, ये 3 दिन कैसे झेलूंगी आवाज पता नहीं। कोई बात नहीं मॉम, 2-3 दिन की बात है। अच्छा बच्चों को बाहर मत जाने देना, बाहर बहुत सारा काला कचरा और गंदगी है। हाँ बिल्कुल। ये तो मेरी कार है, लेकिन यहाँ आई कैसे और इसके ऊपर ये 100 रुपए का नोट किसने रखा? ये बिल्लो। हाँ सर। चल चाय वाय पी के आते हैं, उसके बाद में करेंगे। खुद जामुन लग रहा है, जामुन जामुन जामुन। कर जाओ इसे अच्छे से नहला धुला दो। हाँ बेटा एक काम करो, ये जूते जूते यहीं उतार दो बेटा, नहीं तो पूरा घर पर गंदा हो जाएगा, कीचड़ में लग जाएगा, कीचड़ में सन जाएगा बेटा। उतारो उतारो। चलो चलो चलो, मैं इसको लेके जाती हूँ। चलो रुचिता। जी माँ। दिशा तो पिंकू को संभाल रही है, काम करो तुम ही रूही जूही को तैयार कर दो, शर्मा जी के पोती का बर्थडे है आज। जी मैं तैयार करती हूँ। ठीक है। जूही, जूही कहाँ है? रूही, जूही बहुत देर से दिखी नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। सारा बच्चों का ख्याल रखा करो रुचिता, जाओ जाकर देखो कमरे में ही होगी कहीं। दोनों को तैयार करो जल्दी से, जाओ। जूही कमरे में होती तो रूही के साथ होती, अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ गई?
जूही, जूही, जूही बेटा कहाँ हो आप? जूही, ये भगवान, जूही तो ना मेरे कमरे में ना अपने कमरे में, कहाँ गई वो? भगवान करे वो ठीक हो बस। जू, पिंकू, बेटा क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? नहीं आंटी, मेरे को भूख नहीं है। पिंकू एक बात पूछो, आपकी किसी से लड़ाई हुई थी क्या? आपके ऊपर इतना कीचड़ कहाँ से है? आंटी वो गिर गया था, पैर फिसल गया था। पिंकू, रुचिता जी, जब से बेचारा गिरा है तब से थोड़ा सहम सा गया है, मैं इसे खाना खिला देती हूँ। पिंकू, आपने जूही को देखा है क्या कहीं? पिंकू, अब जूही शायद मेरे और निहार के रूम में होगी, आप वहां देख लीजिए एक बार। हाँ मैं देख कर आती हूँ। पिंकू तू ठीक है? यहाँ का कचरा तो सारा साफ हो गया है, अब गड्ढे भी जल्दी से बंद कर देते हैं वरना कोई गिर जाएगा। अरे भाई यहाँ पे खड़े खड़े बातें मत करो यार, जल्दी चलो सीमेंट तैयार करते हैं। हाँ चल आ जा, से करना है तुरंत 2 घंटे। चलो चलो। मेरी जूही की रक्षा कीजिएगा काटू जी, मुझे बहुत। नहीं मिली, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती तुम रुचिता? मां बनने चली हो, ये नहीं मालूम कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं? कैसी मां हो तुम? मेरी जूही की रक्षा कीजिएगा काटू जी, मुझे बहुत। ये सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी जूही को ढूंढना जरूरी है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में होगी। जूही, जूही, जूही बेटा, जूही, क्या हुआ? जूही, नहीं जूही का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ है वो नहीं मिल रही, मैंने पूरे घर में देख लिया कहीं नहीं है जूही। नहीं आजी कुछ पता नहीं चल रहा मतलब जूही नहीं मिल रही है नहीं, पता नहीं कहाँ है, प्लीज आप जूही को लेके आइए मेरे पास, उसको प्लीज ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी नहीं मेरी जूही। प्लीज प्लीज काम डाउन, कुछ नहीं होगा जूही को, हम ढूंढते हैं ना उसे, समझदार बच्ची है, यही कहीं गई होगी। रुचिता हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा जूही को, हम ढूंढेंगे उसे। जूही,
जल्दी से जूही मिल जाए और ये तमाशा खत्म हो, नहीं तो उसको ढूंढने के चक्कर में अगर ये और करीब आ गए तो मेरे सारे किए कराए प्लान पे पानी फिर जाएगा। चलो बाहर चलकर देखते। पापा हम बाहर ढूंढते हैं। हाँ छत पे भी देख लेते। चलो अरे पहले गड्ढे में मिट्टी तो डालो, मिट्टी भर के ही तो ऊपर से सीमेंट लगेगा। बिल्लू और तुम दोनों जाकर के मिट्टी डालो फटाक से। ठीक है। क्लिप कहां से आ गई है? लोग भी ना कचरे में कुछ भी डाल देते हैं। कोई नहीं, मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, खुश हो जाएगी। खाटू जी, मेरा दिल बहुत खपा रहा है। खाटू जी प्लीज मेरी मेरी जूही की रक्षा कीजिएगा, मेरी जूही की रक्षा कीजिएगा। खाटू जी मुझे बहुत ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे अभी जूही ने मुझे पुकारा। ये ब्रेसलेट तो जूही का है निहार, पक्का जूही बाहर ही गई होगी। बाहर चल के देखते हैं। निहार जी आपको ये क्लिप कहाँ से मिली? ये तो हम वहाँ काम कर रहे थे वहीं पड़ी मिली थी। निहार जी ये जूही की क्लिप है। ब्रेसलेट तो जूही का है निहार, पक्का जूही बाहर ही गई होगी। बाहर चल के देखते हैं। निहार जी आपको ये क्लिप कहाँ से मिली? ये तो हम वहाँ काम कर रहे थे वहीं पड़ी मिली थी। निहार जी ये जूही की क्लिप है।